आप डॉक्टर विनांत भार्गव हैं, गंगाराम हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी कंसल्टेंट हैं और मैं इनका साथी डॉक्टर प्रदीप। आज हम कुछ बातें एनीमिया के बारे में, विशेषकर सीकेडी में जो एनीमिया होता है उसके विषय में डॉक्टर भार्गव से जानना चाहेंगे। डॉक्टर भार्गव बताइए, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एनीमिया होता क्या है और किन कारणों से एनीमिया होता है, जिस मरीज को एनीमिया है उसके क्या लक्षण होते हैं और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिससे कि हम ये जान पाएंगे कि हमारे मरीज को एनीमिया है। हाँ जी, हमारे श्रोताओं के लिए सबसे पहले हमें जानने की बहुत आवश्यकता है कि एनीमिया चीज क्या होती है। एनीमिया जो डिफाइन की जाती है उसको बताया जाता है कि हीमोग्लोबिन जिन लोगों का कम होता है उसको एनीमिया कहते हैं। हर विभिन्न एज ग्रुप में, जैसे अलग एज ग्रुप के अंदर अलग उसके पैरामीटर होते हैं, बट हम जो आज बात करेंगे हम बड़े लोगों की बात करेंगे, बच्चों की बात नहीं करेंगे। और एनीमिया जो है एक आम इंसान के अंदर, जो एक मेल आदमी होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन 13 से कम एनीमिया कहा जाता है, और फीमेल्स के अंदर, लेडीज के अंदर अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 12 है, वो किसी भी एज की हो, उसको हम एनीमिया कहते हैं। और अगर प्रेग्नेंट फीमेल है, अगर उसका हीमोग्लोबिन लेस देन 11 है, तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। आपका जो सेकंड क्वेश्चन था डॉक्टर प्रदीप, जो आपने कहा था कि क्या क्या कारण क्या होते हैं एनीमिया के, विभिन्न बहुत सारे कारण होते हैं एनीमिया के। ये आप सोचें कि अगर एक बोतल के अंदर पानी है और पानी को अगर हम खून की तरह मानते हैं, तो अगर बोतल के अंदर से छेद किया जाए तो पानी कम हो जाता है। उस तरीके से अगर बॉडी के अंदर से कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है तो उससे एनीमिया हो सकता है। सिमिलरली अगर हम बोतल के अंदर अगर हम पानी अगर कम भर रहे हैं तो तब भी आपके बोतल के अंदर पानी कम रहेगा। तो उस प्रकार से अगर आपकी खुराक अगर ठीक नहीं है और आपके रेड ब्लड सेल्स जिसे आपके खून बनता है अगर वो ना बने, क्योंकि कम खुराक आपकी है, आपकी विटामिन की डेफिशिएंसी है या आयरन की डेफिशिएंसी है, तो उससे भी आपका एनीमिया हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, किसी को कैंसर्स है, कैंसर्स के अंदर जो है आपके जो हड्डी है जिसके अंदर से आपका ब्लड सेल्स बनते हैं वो आपके कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। एंड चौथा जिसके बारे में हम ज्यादा अच्छी तरह बात करेंगे वो है एनीमिया जो एक किडनी पेशेंट के अंदर होता है। किडनी पेशेंट के अंदर ऐसा होता है कि किडनी के अंदर से ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो ब्लड सेल्स को बढ़ाते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि किडनी कम काम कर रही है तो वो ब्लड सेल्स कम बनते हैं और उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। आपका जो लक्षण एनीमिया के क्या क्या होंगे, मरीज को क्या टेस्ट करना चाहेंगे हम? हाँ जी, तो अभी जो लक्षण एनीमिया के हैं वो बड़े डिफाइंड होते हैं, जो अगर जल्दी पकड़ में आ जाए तो वो उसका ट्रीटमेंट भी ठीक तरीके से हो सकता है। विभिन्न टाइप के लक्षण होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई लोग जो है अपनी वीकनेस की बात करते हैं कि बड़े वीक फील कर रहे हैं, या उनके पैरों में सूजन आ रही है, या उनको कहीं चलने फिरने में सांस फूल रहा है उनको, या देखने में कोई इंसान जो है वो थोड़ा सा पेल लग रहा है। पेल का मतलब ये है कि थोड़ा सफेद लग रहा है एज कम्पेयर टू पहले। तो एनीमिया क्योंकि खून से संबंधित है, तो अगर खून की कमी होगी तो इट इज अंडरस्टैंडेबल कि अगर खून की कमी से आदमी का जो लेवल ऑफ वर्क है वो कम हो जाता है। तो मोस्टली एनीमिया जो प्रेजेंटेशन होती है वो फीलिंग ऑफ वीकनेस एंड जो लुक है पेशेंट का, उसके साथ आप एनीमिया अपने आप को डायग्नोज कर सकते हैं। तो अब हम एनीमिया को कैसे हम डायग्नोज करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि एनीमिया हमें है? सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो होता है वो एक ब्लड टेस्ट है जिसको हम हीमोग्लोबिन का टेस्ट कहते हैं। अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपका हीमोग्लोबिन 13 से कम अगर आप एक पुरुष हैं, 12 से कम अगर आप एक औरत हैं, या 11 से कम अगर आप एक प्रेग्नेंट फीमेल हैं, तो आप एनीमिया की कैटेगरी में हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक टेस्ट है। उसके बाद जब एक बार आपको एनीमिया खोजा है, आपको पता चल जाए कि आपको एनीमिया है, फिर आप जानना चाहेंगे कि कैसे ट्रीटमेंट हो। तो उसके अंदर जो टेस्ट होते हैं उसके अंदर हम चेक करते हैं कि आपकी इनटेक कम है या नहीं है, तो विटामिन के टेस्ट होते हैं, आपका आयरन लेवल कितना है बॉडी के अंदर उसका टेस्ट होता है, आपके लैटरिन के अंदर खून तो नहीं निकल रहा उसका टेस्ट होता है, और बाकी कैंसर्स के टेस्ट होते हैं जिसके साथ हमें पता चल जाता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपका किडनी के टेस्ट जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। डायग्नोसिस कैसे बनता है एनीमिया का, कि एनीमिया को कैसे हमें पता चलता है कि एक आदमी को एनीमिया है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक ब्लड टेस्ट से हमें पता चलता है, क्योंकि खून की बीमारी है तो ब्लड टेस्ट के अंदर आपका हीमोग्लोबिन कम होगा। जैसे हमने पहले बात करी थी कि पुरुषों के अंदर 13 से कम, औरतों के अंदर 12 से कम, एंड प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर 11 से कम अगर किसी का हीमोग्लोबिन हो, तो उसको हम एनीमिया कहलाते हैं।
अब उसके अंदर हमें एक बार आपको पता चल जाए कि आपको एनीमिया है तो आप ऑब्वियसली आप अपने आप को ट्रीट करना चाहिए, तो आपका डॉक्टर आपको कहेगा कि कुछ टेस्ट करने के लिए जिससे हमें पता चले कि एनीमिया किस रीजन से हुआ है। अगर वो एनीमिया आपका कम खाना खाने से हुआ है तो उसमें विटामिन के टेस्ट होते हैं, आयरन का टेस्ट होता है। अगर एनीमिया आपके ब्लड लॉस की वजह से हुआ है, जैसे आपकी लैटरिन के रास्ते से आपका खून निकल रहा है, पेट में अल्सर की वजह से या पीछे की जहां से आपकी लैटरिन निकलती है वहां के रास्ते में अगर कहीं पे कोई घाव हुआ हुआ है तो उसमें स्टूल का टेस्ट होता है। उसके अलावा कैंसर के टेस्ट होते हैं, और सबसे जो लास्ट में हमें नहीं भूलना चाहिए वो किडनी का टेस्ट है। किडनी के टेस्ट के बाद ही हमें पता चलता है कि एनीमिया जो है वो किडनी रिलेटेड है। जैसे आपने डॉक्टर साहब बताया कि एनीमिया विभिन्न कारणों से होता है, जिसका एक मुख्य कारण सीकेडी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज जिसको हम लोग कहते हैं, और आजकल काफी कॉमन हो गया है ये सीकेडी देखने को मिलता है, लोगों को पता नहीं चलता और तुरंत एकदम से कोई टेस्ट कराते हैं और बताया जाता है कि भाई आपकी तो दोनों किडनीज काम नहीं कर रही हैं, और जिसकी वजह से जो है एनीमिया हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, बीइंग किडनी स्पेशलिस्ट, आप थोड़ा हमें सीकेडी के बारे में बताइए कि कैसे हम लोग सीकेडी को डायग्नोस कर सकते हैं, सीकेडी के क्या लक्षण हैं जिससे कि अर्ली डायग्नोसिस हो पाए सीकेडी का, और फिर सीकेडी अगर किसी को हो ही गया है तो फिर उसके पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है सीकेडी के लिए। सीकेडी एक ऐसी बीमारी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक का मतलब ऐसी चीज है जिसका कोई खास इलाज नहीं है, और ये ऐसी एक बीमारी है जो काफी देर से चलती हुई आ रही है और पकड़ में कई लोगों की शुरुआत में आ जाती है और कई लोगों की पकड़ में लेट में आ जाती है। अब इसके रीजन क्या है सीकेडी के? मोटे मोटे जो इम्पोर्टेंट रीजन जो हमें पता होने चाहिए वो अनकंट्रोल्ड शुगर, किसी को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है वो सीकेडी कर सकता है। वेरी हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है और कई सालों से हाई की तरफ जा रहा है उसको, वो भी क्रॉनिक किडनी डिजीज कर सकता है। पेन किलर इंटेक, अगर आप कोई पेन किलर्स अगर खा रहे हैं, कहीं पे दर्द हो रही है आपके और आप कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं अपने पेन किलर्स की, तो वो भी आपकी किडनी को परमानेंटली डैमेज कर देते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयां, देसी दवाइयां, हर्बल मेडिसिन अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज कर रहे हैं तो वो भी आपकी किडनी डिजीज कर सकते हैं। और भी कई कारण होते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज के जिसके असली कारण इंसान को अभी तक नहीं पता है, बट वो होने के बाद उसका फाइनल जो डायग्नोसिस होता है उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं किडनी डिजीज के? किडनी डिजीज के सिम्टम्स किडनी रिलेटेड होते हैं। इसका मतलब यह है कि किडनी जो है एक पेशाब बनाने का एक साधन है, वो खून सफाई करने का एक तरीका है, आपकी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जो खून आपका साफ करता है। तो जाहिर सी बात है अगर आपका खून साफ नहीं होगा तो उसके वजह से आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे, आपका जो वर्क लेवल है, जो आपका एनर्जी लेवल है वो कम रहेगा, क्योंकि आपका पेशाब कम बनेगा तो आपके पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाएगी। पैरों में अगर सूजन आनी शुरू होगी, पेशाब कम बनेगा तो जो पानी आप पी रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके फंसेगा, जैसे आपके लंग्स में फंसेगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है एनीमिया, जिसकी हम आज बात कर रहे थे। तो लक्षण फिर से मैं आपको बताऊं, वीकनेस, वॉमिटिंग क्योंकि आपके खून की सफाई नहीं हो रही है, पेशाब कम आना, सांस फूलना और पैर में सूजन आना, ये मोटा मोटा जो है एक किडनी डिजीज की तरफ पॉइंटर है। अब इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? किडनी डिजीज की ट्रीटमेंट, एक बार जब क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाती है तो उसकी ट्रीटमेंट जो है कंट्रोल ऑफ फैक्टर्स जिसके वजह से आपको किडनी डिजीज हुआ है, जैसे कि अगर शुगर रिलेटेड है तो शुगर का कंट्रोल, अगर ब्लड प्रेशर रिलेटेड है ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, डाइट मॉडिफिकेशन, स्पेसिफिकली आपको प्रोटीन अपने डाइट में कम लेना पड़ता है। प्रोटीन एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो मोस्टली एनिमल प्रोडक्ट्स में जैसे अपने मांस मच्छी में होता है, अंडे में होता है, एंड वेजिटेरियन डाइट के अंदर जो है दाल, पनीर, दूध से बनी हुई चीजें, सोयाबीन, बीन्स, इन सब चीजों के अंदर पाया जाता है, और छोले, राजमा, तो इन सब का सेवन जो है वो थोड़ा सा कम करना पड़ता है। और बाकी और भी कई सारी इसमें दवाइयां आती हैं जिसके वजह से हम इनको किडनी डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड किडनी डिजीज के जो लक्षण है वो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण जो है वो एनीमिया है। इसका मतलब आपका हीमोग्लोबिन कम होता है। जिस इंसान का हीमोग्लोबिन कम रहेगा वो इतने स्फूर्ति से काम नहीं कर पाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी अलग अलग दवाइयां, अलग अलग इंजेक्शन आते हैं। जो ये इंजेक्शन इस तरीके के होते हैं जो किडनी के अंदर से जो पदार्थ जो जिसकी वजह से आपका ब्लड बनता है, जो जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं,
वो इंसान ने इंजेक्शन फॉर्म में बना दिया है ताकि वो किडनी अगर नहीं बना पा रही है तो इंजेक्शन के जरिए हम दे सके उसको। तो फाइनली क्वेश्चन, जैसा डॉक्टर साहब आपने बताया कि कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं जो हम एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए दे सकते हैं, आमतौर पे एनीमिया कई कारणों से होता है तो लोग उसके लिए गोलियां भी खाते हैं और बहुत सारी गोलियां भी अवेलेबल है मार्केट में, तो कब आप चाहेंगे कि हम मरीजों को इंजेक्शंस भी दें और गोलियां भी चलती रहें, या कभी जिसका हीमोग्लोबिन कौन से रेंज से ज्यादा नीचे हो तो उसको इंजेक्शन या ब्लड भी देने की आवश्यकता पड़े, ऐसा कभी होता है क्या? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि कब हमें एनीमिया को ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि सारे एनीमिया को कभी कभी हम ट्रीट नहीं करते हैं, और अगर ट्रीट करते भी हैं तो कईयों को इंजेक्शन देते हैं, कईयों को गोलियां देते हैं। गोलियां सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए होते हैं जो अर्ली किडनी डिजीज के होते हैं या अर्ली एनीमिया के जो पेशेंट होते हैं, क्योंकि ये ऐसे पेशेंट हैं जिनकी भूख बची रहती है तो वो गोलियां खा सकते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके अंदर जो पदार्थ जो किडनी से निकलता है वो काफी कम निकलता है, लेकिन निकलता है तो उसकी वजह से आपका एनीमिया का कंट्रोल हो सकता है। जैसे जैसे आपकी किडनी डिजीज बढ़ती रहती है और हीमोग्लोबिन आपका कम होता रहता है, मोटे मोटे रूप से अगर आपका हीमोग्लोबिन 9 से 10 के बीच में है तो हम उस केस में इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। जिन लोगों का हीमोग्लोबिन 10 से 11 के बीच में है, हम कोशिश करते हैं कि उनको दवाइयां जैसे आयरन की दवाइयां होगी, विटामिन की दवाइयां होगी, उसके साथ हम कोशिश करते हैं कि उनका हीमोग्लोबिन 11 से 12 के बीच में बना रहे। और कई कई लोग होते हैं जिनके अंदर हम दोनों चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, ये उस टाइप के पेशेंट होते हैं जिनका हमें मालूम है कि इनका जो हीमोग्लोबिन है वो वहीं का वहीं मेंटेन है, 13 पे या 12.5 पे, उन सब पेशेंट्स को हम ट्रीट नहीं करते। एक चीज जैसे आप बहुत कॉमनली देखने को आया है कि पेशेंट्स को किडनी के पेशेंट होते हैं, किडनी के मरीज होते हैं, उनको आप लोग डायलिसिस के लिए एडवाइस करते हैं कि भी अब जीवन भर डायलिसिस कराना पड़ेगा, या अदर ऑप्शंस डायलिसिस के अलावा जो आप देते हैं मरीजों को, उस दौरान उसका एनीमिया का क्या ट्रीटमेंट चेंज होता है? डायलिसिस करने से क्या एनीमिया बढ़ जाता है? या पहली बात तो ये कि थोड़ा बताएंगे कि किन मरीजों को डायलिसिस कराना ही पड़ता है और दवाइयों से काम नहीं चलता है, इन सब बारे में थोड़ा सा बताएंगे डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर प्रदीप, मैं आपका ना वो जो लास्ट क्वेश्चन है उसको पहले आपका एड्रेस करूंगा, जिसमें आपने बताया कि कौन से पेशेंट हैं जिनका डायलिसिस होना चाहिए, और ये वो टाइप के पेशेंट हैं जिनकी किडनी बिल्कुल ही काम करनी बंद कर दी है। इसका मतलब ये है उनके लक्षण जो है दवाइयों के साथ कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पेशाब बढ़ाने की भी दवाइयाँ होती हैं, आपका भूख बढ़ाने की भी दवाइयाँ होती हैं, सूजन कम करने की भी दवाइयाँ होती हैं, पर दवाइयों की अपनी एक लिमिटेशन होती है। जब हमें लगता है कि वो दवाइयाँ देने के बाद भी पेशेंट की अगर समस्या अगर सॉल्व नहीं हो रही है, और क्रिएटिनिन जो एक मार्कर है किडनी डिजीज का, जो जिसके बढ़ने से हमें पता चलता है कि किडनी कितनी खराब हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 8, 9, 10 के आसपास है, और लक्षण इंसान में आ रहे हैं, तो उस केस में हम उनका डायलिसिस शुरू करते हैं। अब जो डायलिसिस के पेशेंट हैं उनको कहा जाता है कि भाई डायलिसिस आपका स्टार्ट हो गया तो इसकी वजह से आपका जो है ब्लड कम हो रहा है। मैं उससे इन चीज़ों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ब्लड उससे कम नहीं हो रहा है, किडनी डिजीज क्योंकि आपकी बढ़ गई है जिसके वजह से आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है, और क्योंकि उसकी वजह से जो पदार्थ जो खून को बढ़ाता है वो आपकी बॉडी में कम हो रहा है, उसकी वजह से आपका एनीमिया बढ़ रहा है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम डायलिसिस पेशेंट का एनीमिया अच्छी तरह मैनेज करें, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उसी पे ही डिटरमाइन है। कौन से पेशेंट ऐसे हैं जिनको हम ब्लड देते हैं डायलिसिस में? हम अवॉइड करते हैं ब्लड देना डायलिसिस में। ब्लड देना डायलिसिस में एक लास्ट ऑप्शन होती है, क्योंकि ब्लड के साथ अपनी अपनी बीमारियाँ होती हैं, HIV, हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारियाँ ब्लड के साथ ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम दवाइयों के साथ या इंजेक्शंस के साथ आपका ब्लड बढ़ाएं, और अगर उससे नहीं बढ़ता है तो फिर उस केस के अंदर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, या अगर हमें ऐसा लग रहा है कि एनीमिया की वजह से आपके हार्ट के ऊपर लोड बढ़ रहा है और आपकी बार बार आपको सांस फूल रहा है डायलिसिस कराने के बाद भी, तो उस केस के अंदर हम आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। जिन मरीजों को डॉक्टर साहब आप लाइफ लॉन्ग डायलिसिस बताते हैं, तो उनके पास फिर ऑप्शन किडनी ट्रांसप्लांट का भी रहता होगा? हाँ जी, जो ऑप्शन है, जैसे किसी की आपकी किडनी अगर खराब हो गई है और आपको आप जानना चाहें कि मतलब क्या ट्रीटमेंट है पेशेंट का, तो दो प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। एक ट्रीटमेंट होता है जिसके हम डायलिसिस कहते हैं, जिसको हमने पहले डिस्कस किया, जिसको खून की सफाई कहते हैं। और खून की सफाई के भी दो तरीके होते हैं, एक तरीका ब्लड से होता है और एक होता है होम डायलिसिस, जिसको वाटर डायलिसिस कहते हैं, जो घर पे हो जाता है।
दूसरा तरीका जो है इंसान को जीवित रखने का होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर एक किसी और इंसान के बॉडी के अंदर से किडनी निकाल के एक पेशेंट जिसकी किडनी फेल हो चुकी है उसकी बॉडी में वो किडनी डाली जाती है, और उसके बाद ना तो डायलिसिस की जरूरत होती है, ना खून बढ़ाने के इंजेक्शन की जरूरत होती है, ना कोई ऐसी कोई दवाइयों की जरूरत होती है जो हम डायलिसिस के टाइम यूज करते हैं। बट हाँ जी, जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें उस टाइप की दवाइयाँ यूज करनी पड़ती हैं जिससे रिजेक्शन ना हो। इसका मतलब ये है कि जो नई किडनी आपकी बॉडी में आई है, ट्रांसप्लांट पेशेंट के बॉडी के अंदर आई है, वो रिजेक्ट ना हो जाए, कि बॉडी जो है उसको बाहर ना फेंक दे या उसको एक्सेप्ट ना करे, उसको रोकने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती है जो आजीवन भर खानी पड़ती है। और अनीमिया जो है ट्रांसप्लांट पेशेंट में भी देखा जाता है, और ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर जो अनीमिया होता है वो मोस्टली इन्फेक्शन के वजह से होता है, डिफरेंट टाइप के वायरस के इन्फेक्शन होते हैं उसकी वजह से होता है, या अगर किसी ट्रांसप्लांट पेशेंट को अगर कैंसर हो जाए तो उस केस में उसको अनीमिया होता है। ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर भी अगर हीमोग्लोबिन 13 से कम हो तो उसको अनीमिया कहते हैं पुरुष के अंदर, और 12 से कम अगर औरत के अंदर हो तो उसको भी हम अनीमिया कहते हैं। तो क्योंकि हम किडनी डिजीज के विषय में ही आपसे ज्यादा जानना चाहेंगे, क्योंकि आप किडनी स्पेशलिस्ट हैं, आप नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और कृपया ये बताएं कि जिसको की लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पे हमने डाल दिया है जिन मरीजों को, तो क्या उनके लिए ट्रांसप्लांट ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा? और एनीमिया के संदर्भ में भी क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर वो ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उसका जो एनीमिया सबसे वेल कंट्रोल्ड या बेटर कंट्रोल्ड रहेगा? ट्रांसप्लांट ऑप्शन जो है किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि वो उसको एक नॉर्मल लाइफ की तरह जी सकता है, उसको डायलिसिस मुक्त हो जाता है, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज, अपनी नॉर्मल जो करना चाहे वो इंसान अपना कर सकता है। तो ट्रांसप्लांट इज द बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू डायलिसिस कई पेशेंट्स के लिए, क्योंकि वो उसके अंदर थोड़े से ज्यादा कम्फर्टेबल रहते हैं। और बाकी सेकंड क्वेश्चन आपका डॉक्टर प्रदीप, मैंने आपसे जैसे हम लोग एनीमिया के विषय में बहुत चर्चा कर रहे हैं, तो जो एनीमिया का ट्रीटमेंट हम ट्रांसप्लांट से पहले देते आए थे, ट्रांसप्लांट करने के बाद क्या वो एनीमिया का ट्रीटमेंट बंद हो जाएगा या उसका एनीमिया ठीक हो जाएगा, उस बारे में थोड़ा सा बताइए डॉक्टर साहब। तो इसके अंदर ऐसा होता है कि अगर आपने ट्रांसप्लांट किया है और अगर एनीमिया आपका किडनी के रीजन के वजह से था, किडनी के कॉज के वजह से था, किडनी कम काम कर रही थी, तो क्योंकि आपके पास एक नई किडनी आ जाती है पेशेंट के अंदर, तो एनीमिया बेहतर हो जाता है, उसमें आपको वो सब दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती जो आपको ऑन डायलिसिस या जब आपकी किडनी थोड़ी सी वीक काम कर रही थी, जिस दवाइयों के साथ आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाना पड़ता था वो दवाइयों की जरूरत आपको नहीं पड़ती। पर अगर हीमोग्लोबिन आपका किसी और रीजंस की वजह से कम हो रहा है, जैसे कि दवाइयाँ या कोई आपका कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या कोई ब्लड लॉस है कहीं से, तो उस केस के अंदर आपको ट्रांसप्लांट के बाद भी एनीमिया रह सकता है। बट चांसेस एनीमिया के कम होते हैं ट्रांसप्लांट पेशेंट में, जैसे एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो कॉजेज होते हैं एनीमिया के, बस वही कॉजेज आपके ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर रहते हैं। तो डॉक्टर विनांत भार्गव बता रहे थे हमें किडनी डिजीज के बारे में, एनीमिया के बारे में, और मुख्य तौर पे जो बहुत कॉमनली सीन बीमारियां आजकल सभी को लगभग हो रही हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, जिसकी वजह से किडनी भी डैमेज हो रही है और उसको एनीमिया भी हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में डॉक्टर साहब ने हमें विस्तार में बताया, और हम क्या कर सकते हैं इनको, इनका रोकथाम के लिए और एक अच्छा बेहतर जिंदगी जीने के लिए। तो डॉक्टर साहब अंत में आप हमें कृपया ये बताइए कि क्या एक टेक होम मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को कि उनका जीवन किडनी और ना ही सिर्फ किडनी नहीं बट एक बेटर कंट्रोल और जितनी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं आ रही हैं जो लाइफस्टाइल की वजह से भी, उसके लिए क्या क्या वो कर सकते हैं और एक बेटर लाइफ लीड कर सकते हैं? तो टेक होम मैसेज आपके लिए सिर्फ एक ही रहेगा कि ईट हेल्दी एंड थिंक हेल्दी। अगर आप ठीक खाना खाएंगे और अगर ठीक सोचेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो हमेशा हेल्दी रहेगी। बट इतना आसान नहीं है जितना हमने आपसे कहा है, हमें दो तीन चीज़ों का और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हम ये इंश्योर करें कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी और हमारी फिजिकल फिटनेस हमेशा बरकरार रहे ऑल थ्रू। हम अपने खाने के ऊपर विशेष ध्यान रखें, हम इस तरीके का खाना ना खाएं जिससे हमें बीमारियां हो बाद में जाके, जैसे कि हाई फैटी फूड, बहुत शुगर वाला खाना,
जैसे अपने मिठाइयाँ ज्यादा खानी या बहुत नमकीन खाना है या अपना तले हुई चीजें खानी, जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी बीमारी हो। एक बार आपको ब्लड प्रेशर डायबिटीज हो जाए और वो अगर कंट्रोल में ना हो जाए तो फिर वो ही किडनी डिजीज कॉज करता है। और जो लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने दवाइयों का ध्यान रखें कि सपोज आपको अगर कोई बीमारी हो रही हो तो अपने आप अपनी खुद से कोई दवाई ना लें और किसी डॉक्टर के स्पेशलाइजेशन के अंदर ही उसी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ही आप दवाई लें, जैसे पेन किलर्स हो गए हैं या हर्बल मेडिसिन, अगर आप हर्बल मेडिसिन में भी बिलीव करते हैं तो उस तरीके से करिए। अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो वेरी वेल कंट्रोल बीमारी है, बड़ी सिंपल बीमारी है, इसका हल पूरा तरीके से है, पर इसको ढूंढना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार ये ढूंढा जाए तो एक इंसान जो जिसकी एनर्जी लेवल्स काफी लो हो चुकी हैं, जिसको ऐसा लगता है कि वो बीमार है, उसको हम एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान बना सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर विनांत भार्गव। हम बात कर रहे थे डॉक्टर विनांत भार्गव से जो सर गंगाराम हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने हमें बहुत ही संक्षेप में और सरल रूप में बताया कि हम किस तरह से अपने जीवन को एक आसान तरीके से थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस लाके एनीमिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और आगे चल के अगर किडनी की भी दिक्कत होती है तो उसके लिए भी बहुत सारी बातें इन्होंने हमें जानकारियां दी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनांत भार्गव। थैंक यू। थैंक यू।